हेलो फ्रेंड्स, तो रेलवे में कुछ वैकेंसीज़ आई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि उनका सिलेबस क्या रहने वाला है। मेनली हम सिलेबस देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, किस तरीके से एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो यहाँ पे पहले पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या आई है। तो पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है वो 3144 है, और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए ग्रेजुएशन में डिग्री चाहिए आपको, ठीक है। और स्टेशन मास्टर की पोस्ट है 994 पोस्ट है, और चीफ़, और यहाँ पे आप कम टिकट सुपरवाइज़र जो है वो उसकी 1736 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो 1507 पोस्ट है, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो 732 पोस्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप जो पोस्ट है वो आई हैं, आप डिटेल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। इसमें हम मेनली बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका CVT 1 और CVT 2 होने वाला है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए स्टेज ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा। देयर शैल बी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि 2 स्टेज में आपका CVT होगा, और साथ ही कुछ पोस्ट के लिए आपका CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और टाइपिंग स्किल टेस्ट भी कुछ पोस्ट के लिए होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे ऊपर लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर के लिए आपका CBAT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट जो होगा आपका, वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए होगा, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए होगा, ठीक है, और गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए सिर्फ आपका 2 स्टेज का CBT होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किसके लिए कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। तो जो आपका 2 लेवल का CBT होगा वो सिर्फ आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर और सीनियर कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र के लिए होगा, और इस दो CBT के अलावा भी CBAT टेस्ट होगा आपका स्टेशन मास्टर के लिए, और जो टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा वो होगा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। तो CBT तो सबको देना है, 2 CBT, उसके बाद भी कुछ टेस्ट हैं वो अलग अलग पोस्ट के लिए आपको देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट स्टेज में आपका CBT कैसे होगा। तो यहाँ पे सिलेबस देखिए क्लियर लिखा हुआ है, आपको करना क्या है, आपका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट का होगा, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन, और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग जो होता है उससे आपके 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करने हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, ठीक। और PWD के लिए, मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए क्या है आपका, 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा उनको, ठीक। और आपको पता है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा जो आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे मैथ से जो क्वेश्चन आएंगे वो नंबर सिस्टम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं डेसिमल होगा, फ्रैक्शन होगा, LCM NCF होगा, रेशियो होगा, इन सब से आएगा, ठीक है, टोटल लिखा देख लीजिएगा। जनरल इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चन आएगा वो एनालॉजी होगा, ठीक है, और तरीके तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है, जम्बलिंग होगा, सिलॉगिज्म होगा, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग होगा, मैप्स होगा, ये सब आएंगे। जनरल अवेयरनेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बड़ा सिलेबस दिया है, आप देख लीजिएगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें गेम्स और स्पोर्ट्स से, आर्ट्स कल्चर से, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, सेकेंड स्टेज में क्या होगा। तो सेकेंड स्टेज में आप देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सेकेंड स्टेज CVT शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज स्कोर ऑब्टेन ऑन CVT 1, यानी कि CVT 1 में जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसके बेस पे आपको CVT 2 में बुलाया जाएगा, ठीक है। 15 टाइम्स टोटल जो वैकेंसी थे उससे कैंडिडेट लिए जाएंगे। और यहाँ पे जो सिलेबस होने वाला है इसका मैं आपको बताता हूँ, तो आपका जो है 90 मिनट का जो है एग्ज़ाम होगा, और 50 आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, 35 आपके मैथमेटिक्स से, 35 आपके रीजनिंग से, टोटल 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और 1 नंबर के सभी क्वेश्चंस रहेंगे। सिलेबस क्या है आप देख लीजिए, मैथमेटिक्स में वही लगभग चीज़ें हैं सारी चीज़ें, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जो चीज़ें हैं यहाँ पे आप देख लीजिएगा, और जनरल इंटेलिजेंस में भी एनालॉजी कंपटीशन जो है वही सारी चीज़ें हैं, डाटा सफिशेंसी स्टेटमेंट है, और जनरल अवेयरनेस में भी करंट इवेंट्स वही सारी चीज़ें यहाँ पे है, लेवल थोड़ा सा इसका ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरीज, UR 40% करना है मिनिमम परसेंटेज, ठीक है, जो क्वालिफाई आपको माना जाएगा।
EWS में 40%, OBC का 30%, SC का 30% और ST का 25% जो है आपको एलिजिबिलिटी, मतलब इसमें आपको, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पे आपका जो कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होगा विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द सेकेंड स्टेट CBT, ठीक है। जैसे जो स्टेशन मास्टर के, जो स्टेशन मास्टर के लिए फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए CBAT भी उनको देना होगा, ठीक है। तो यही था सिलेबस, और सिलेबस को देखने के बाद आप अपनी तैयारी में लग जाइए जिस भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर